होली में हुरदंग मचाएंगे, ए जान तो है रंग लगा कि हाँ नया नया मैडम आइल बारी स्कूल में, हमरा से पानी डालवा तारी फूल में, कामना कईला पर रूखे आपन कारा करे कि ब्रह्म बाबा के हम पूजनी, दिन रात न कुछ समझनी कि तो बोला गल नहीं जोरा काम कैसे चले। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं सिलेक्ट मीडिया 24। मैं हूं सतिंदर शर्मा। आज मैं पटना मीठापुर प्रेम झील रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूं और हमारे साथ भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक नवनीत सिंह जी हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको भी स्वागत है और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और कैसे हैं जी? बढ़िया, आप बताइए। एक सवाल है आपसे कि आपका एक रील पे और इंस्टा पे काफी गाना वायरल हो रहा है और उसपे कम से कम कई लाख लोग मतलब उसको रील बना रहे हैं। कोई मौत के कुआं में बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, कोई इनार में घुस जा रहा है। उस गाने से आपका शुरुआत करेंगे, उसको गा के आइएगा। वो कौन सा गाना है जिसको लेकर के पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है रील पे और इंस्टा पे? ये जो गाना है, गाना का अंतरा वायरल हो रहा है और हम लोग 15 अगस्त के इससे पहले जब कितना 6-7 महीना हो गया होगा उस समय हम लोग ये गाना बनाए थे। हाँ, उसका लाइन जो वायरल हो रहा वही मैं बता रहा हूँ। हम खेलते हैं खतरों से, परवाह न करते जान के, जो समझ गए वो संभल गए, जो ना समझे बदहाल है। अपनों के लिए हम अपने हैं, दुश्मन के लिए तो काल है। और इस पे जैसे खतरनाक बना रहा है, जो भी रील बना रहे हैं सब सब खतरनाक। कोई एक भाई को, एक भाई को देखे मौत के कुआं में और एक भाई को देखे बुलेट दोनों हाथ में बांध लिए हैं हाथ में, उसके बाद बाइक जो है बाइक उनका खींच रहा है। एक है पटाखा फोड़ रहे थे और जैसे हाथ में ऐसे फोड़े, हमको तो लगा कि हाथ उतर जल जाएगा। ये सब खतरनाक स्टैंड कर रहे हैं उसी पे। तो रील को सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग रील को रील बनाइए, रियल मत बनाइए। कुछ लोग रियल भी बना रहे हैं, रियल बना रहे हैं लोग, कुछ नुकसान हो जाएगा तो दिक्कत होगा। अच्छा नवनीत जी, आप संगीत कब से मतलब आपको रुचि थी, कब से संगीत लाइन में है? जी संगीत लाइन हम लोग 2015 से हैं, जब हम पढ़ते थे छपरा स्टडी पॉइंट में, तब से मन में था कि गाएंगे बजाएंगे बस। लेकिन एक दोस्त था मेरा, उसी के माध्यम से वो गाने जा रहा था, उसी के माध्यम से स्टूडियो पहुंचे थे और कोशिश किए थे, गाना बजाए थे भी हम लोग, बनाए थे और थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला था। तब से एक जिज्ञासा जग गया कि भाई कुछ करना चाहिए, तब से वही स्ट्रगल चल रहा है अभी तक। अभी किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, कौन सा आपका होली का कोई धमाल आने वाला है? एक होली आया है जिस एल्बम का नाम है हुरदंग होली और उसमें 9 लोग मिल के गए हैं। 9 लोग मिलकर गए उसको? हाँ, हमको लग रहा है कि शायद इंडस्ट्री में पहली बार, और 9 लोग में सभी लोग लगभग सुपर स्टार है। हम है, मेरा नाम नवनीत सिंह हुआ और बादल बवाली जी हैं, उनका भी बहुत सारा गाना मार्केट में। आलम राज जी हैं, विक्की बबुआ जी हैं, पुनीता प्रिया जी हैं, पूजा पांडे जी हैं, नरमुंडा स्वामी हैं और कोई छूट रहा है? एक आने वाला होली है इनका, हुरदंग होली। हाँ, हुरदंग होली। 9 लोग मिलकर उस गाने को गाए हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो छोटे मोटे, सब बड़े बड़े स्टार ही गाए हैं। बादल वाली वो हमको लग रहा है कि अपने जमाने के 90 के दशक में उनके गाने बजे थे, AC बहुत सारे गाने उनके बजे हैं, मार दी सटा के, लोहा गरम, इस टाइप के बहुत सारे गाने हैं। तो मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। एक बादल भैया गाना था, बहुत बढ़िया हमको लगता है। हाँ, कि नया नया मैडम आइल बारी स्कूल में, हमरा से पानी डालवा तारी फूल में, कामना कईला पर रूखे आपन कारा करेली कि माई रे हम ना जाइब पढ़े मैडम खारा करेली। बहुत बढ़िया गाना था। बादल वाली के गाने बहुत पहले काफी है। आलम भी है उसमें, आलम राज भी स्टार है, बुआ भी है, पुनीता, बहुत सभी लोग अच्छे अच्छे। हुरदंग होली। हाँ, हुरदंग होली उस गाने का बोल है। हाँ, होली में हुरदंग मचाएंगे, ए जान तो है रंग लगाएंगे। बहुत साफ सुथरा होली, आप लोग फैमिली के साथ बजा सकते हैं। पूरा साफ सुथरा मतलब होली में भी साफ सुथरा है। हाँ। यहाँ तो होली छोड़ करके जो गाने आ रहे हैं वो ऐसे ही भरा हुआ है कि होली का बाप है वो। सही बात है, हम लोग सोचते हैं, खासकर हम सोचते हैं कि ज्यादा साफ सुथरा गाना ही बजे, और बस स्ट्रगल हो रहा है, नहीं तो अगर अश्लील गाना होता तो ज्यादा
टाइम भी नहीं है वायरल होने का, बस कुछ दिन माँ बहन कुछ माँ बहन कीजिए, चाहे कुछ बलगर चीज उगा दीजिए आप वायरल। लेकिन मेहनत होता है, देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ दिन के लिए होता है भाई, और अगर स्ट्रगल कीजिएगा तो भाई कुछ टाइम जी जानते हैं। होता क्या है कि आप जो जिस उस जगह पे नहीं जा पाएंगे जहाँ पे वो लोग हैं, वो जाए वहाँ आप नहीं जा पाएंगे, तो चार दिन के लिए तो आप उठ ही जाएंगे, मतलब लेवल लग गया कि हाँ आप ट्रेनिंग में चले गए, लेकिन वो जगह नहीं मिलेगा जो बिना ट्रेंडिंग में जाए हुए जो आपको जगह मिलेगा वो जगह उनको। हम लोग भी गुदगुदी वाले सॉन्ग गाते हैं, एक कुछ दिन पहले गाना आया था मेरा, अच्छा अच्छा गाना भी गाते हैं। एक आया था गंगा न्यूज वाले भैया, बहुत प्रेस किए थे हमको कि नहीं आप गाइए अश्लील गाइए ये गाइए, तो उनके कहने पे गाना गाए थे हाँ कि बरहम बाबा के हम पूजनी दिन रात न कुछ समझनी कि तो बोला गल नहीं जोरा कम कैसे चली मोरा सखी सैया के छोट बलोरा कम कैसे चली मोरा। थोड़ा बहुत बजा था मार्केट में, हल्का फुल्का चटपटा चटपटा टाइप का। चलिए तो इनका हुड़दंग होली जो आ रहा है उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। किस चैनल पे आएगा बता दीजिए। प्रेमजील म्यूजिक अपना चैनल है, प्रेमजील म्यूजिक उसी के माध्यम से आ रहा है। प्रेमजील म्यूजिक और ये है बिक्की बाबू एंटरटेनमेंट से भी आ रहा है, प्लस आलम राज ऑफिशियल से भी आ रहा है, तीन चार चैनल से ये गाना आएगा। इसलिए कि नौ जब उसमें सिंगर हैं तो चार पांच चैनल पे आना ही है। हम तो बोलेंगे अगर नौ आदमी का चैनल है तो नौ को दे देंगे, क्योंकि मेन ऑथराइज उसका मेरे पास है, तो जो जो चाहेंगे सभी को दे देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि होली क्या है, होली मिलन, ये सब गम को भुला के नौ लोगों को कलाकार को एक अगर एक साथ अपला रहे हैं बहुत बड़ी बात है। कोई ये गाना जो हम लोग 10 दिन में तो ऑडियो तैयार किए हैं, एक आते थे तो एक नहीं रहते थे, एक आते थे तो एक नहीं रहते थे, शूटिंग पे हम लोग 9 में लगभग 5 लोग ही पहुंचे थे। सारे लोग अब व्यस्त होंगे अपने अपने प्रोजेक्ट में, तो कैसे टाइम निकाल कर एक बार इकट्ठा हो गया। और एक चीज मैं अपने जो सीनियर्स हैं जैसे खेसारी भैया हुए, पवन भैया हुए, चाहे वर्ल्ड वाइड वाले रत्नाकर सर हुए जैसे फिल्म के वैसे सिन्हा सर हुए, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग छोटे कलाकार हैं अभी, फिर भी अपने से जितना हुआ वो काम किए लोग, अगर खेसारी भैया, पवन भैया, दिनेश भैया, अगर ये लोग मिलकर कोई होली या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक साथ में, तो सोचिए भोजपुरी कहाँ जाएगा, सब ऑडियंस जो है एक हो जाएंगे। इनको अपने अपने स्टेज से लड़ाई करने से फुर्सत मिलेगा तब ना बनाएंगे। वही मेरे कहने का मतलब वही है कि ये सब जात विवाद सबको भूल जाइए और सब लोग एक काम करके एक होकर काम कीजिए। देखिए साउथ इंडस्ट्री छोटा इंडस्ट्री होते हुए आज पूरे दुनिया पे राज कर रही है। भोजपुरी देखा जाए तो बहुत जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत पीछे होते पीछे हैं। पीछे कारण है, एक दूसरे को बस नीचे दिखाने में लगे हैं लोग, तो क्या होगा। भोजपुरी को ये लोग आगे बढ़ाने के बजाय नीचे लेके जाते हैं, बस मंच पे जाकर के अपना अपना सूर दिखाना चालू कर दे रहे हैं आज के डेट के सिंगर। तो बस मैं वही बोलना चाहूंगा कि सभी लोग एक हैं, सभी लोग भाई भाई हैं, तो सब भाई भाई मिल के काम करें ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे जाए। अभी हम लोग ये औकात किया, हम लोग तो छोटे मोटे खुद सिंगर हैं, लेकिन फिर भी एक मन में था तो बोल दिए सबके सामने। चलिए काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और के साथ। जय।